हमने चादर नहीं उतरने थी, तूने दस मुहर्रम के नाम पे अपने सर से दुपट्टा क्यों उतार दिया था, हमारे दस मुहर्रम के नाम पे हमारे शहीदों के नाम पे तू बेगैरती के लिबास में क्यों आ गई थी, तो क्या जवाब देना है, जरा तू पे हाथ रख के मुझे भी बता के चलो, ओ खुदा की कसम तुम्हें खुदा का वास्ता, दस मुहर्रम आया करे, बेटियों आज जब बदन पे कपड़े सलामत है, ये ज़ैनब का सदका है, वरना औकात न थी तुम्हारी, कोई तुम्हें घर में बेटी बना के रखता, बीवी बना के रखता, तुम्हें तो मार दिया जाता था, आज जो इज्जतें मिल रही है, या तो ज़ैनब का सदका है, या ये ज़ैनब के नाना के कदमों का सदका। किसने की, अब्बा मेले को जाना, आ बेटी जा, अब्बा फला जगह आलम देखने जाना, जा बेटी जा, हुसैन के मुंताजिए देखने जाऊंगी, तुमने भेज दिया, दिल पे हाथ रख के बता अगली बात करने लगाओ, नमाज क्या है, नमाज क्या जोर से है, उतने तो बोल ही लो जितने पढ़ते हो, क्या है फर्ज है ना, ठीक है बाजमात क्यों पढ़ते हैं, वाजिब है, लेकिन एक बात बताओ सबसे असली इबादत क्या है, नमाज है। हमारी बहन बेटी मस्जिद में जा सकती है नमाज पढ़ने, बोलो जोर से बोलो जरा, नहीं जा सकती ना, चलो जुमा पढ़ने, वो तो बड़ी अहम नमाज है, जुमे में भी मस्जिद में नहीं जा सकती, ईद पढ़ने क्यों, इस्लाम ने ये बेटी की इज्जत की हिफाजत के देखो कैसे रास्ते बनाए, इसलिए तेरी बेटी को मस्जिद में नहीं भेजा जाता ताकि तेरी बेटी की इज्जत महफूज रहे, जो इस्लाम मस्जिद में तेरी बेटी को नमाज पढ़ने जाने की इजाजत नहीं देता वो तेरी बेटी को हुसैन के मेले में जाने की इजाजत कैसे दे सकता है, क्या सोच के भेज देते हो मेलों पर, मुझे बताया जाए, संभालो बेटियों को, वरना अभी सिर्फ पानी के आंसू है, आने वाले 10 साल में खून के आंसू बहाने पड़े, तेरी बेटी प्यारी है, कई लोग तो ये कहते नहीं 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 मेरी बेटी बड़ी समझदार है, मैंने एक दिन बेटी से कहा तो मेरी बेटी ने कहा कि नहीं अब्बा तेरा सर नहीं झुकने दूंगी, मुझे एतमाद है अपनी बेटी में, क्या मतलब, अगर कोई पर्दे की बात करता तो एतमाद की बात है, अगर मैं अपनी बहन से कहूं पर्दा कर तो क्या मैं शक करता हूं बहन पे, मैं बीवी से कहूं पर्दा कर तो क्या मैं शक करता हूं बीवी पे, अगर मैं अपनी बेटी से कहूं पर्दे में रहे तो क्या ये मेरा शक है बेटी पे, चलो हो सकता है मेरा शक है, मेरे हुजूर में विसाल का वक्त है, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साकिदा तकिया जकिया सफिया हजरत सैयदा फातिमा जहरा, बोल दो जरा सुभान अल्लाह सलाम अल्लाह के अलैहा, हुजूर का सर हजरत आयशा सिद्दीका की गोद में था, बहुत गौर से सुनना, जो कहते हैं कि मुझे एतमाद है बेटी पे, हम शक नहीं करते बेटी, गोद में सर हजरत आयशा सिद्दीका किया, मेरे हुजूर कहते हैं फातिमा दौड़ के आए जी बाबा मेरे बाद पर्दा कैसा करूंगी, बेटी भी फातू ने जन्नत जैसी बेटी, कहती बाबा बाद आपके बाद तो जीने का तसव्वुर ही नहीं फातिमा, मैं तो जीना ही नहीं चाहती, ये कह के चीख मार के रोई, हुजूर ने कान में कुछ कहा, फातिमा मुस्कुराने लग गई, उसके बाद कहा आयशा जी या रसूल अल्लाह मेरे बाद पर्दा कैसे करोगे, खुदा की कसम किससे कह रहे हैं, जिसकी तहारत में रब ने कुरान में आयते नाजिल की, जो खुद भी सच्ची जिसका बाप भी सच्चा, हाँ जो महबूबा है महबूबे कायनात है उनसे आका कह रहे मेरे बात क्या करोगी, आयशा सिद्दीका कहती या रसूल अल्लाह कमाले हद तक पर्दा करूंगी, अब पर्दे का आलम देखो, मेरे हुजूर का विसाल हुआ, कुछ दिन गुजरे थे कि एक सहेली आयशा सिद्दीका की आपसे मुलाकात के लिए तशरीफ लाई, क्या देखती है दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से सही हजरत आयशा सिद्दीका की आवाज आती है, कौन है, कहा सहेली हो, कहा अंदर आ जा, जैसी अंदर गई है क्या देखती है, आयशा सिद्दीका का चेहरा कमरे की तरफ है यानी दीवार की तरफ, आपकी
सहेली कहती है आयशा क्या कुछ गलती हो गई है, अपनी सहेली से नाराज हो? का नहीं तो का फिर मुंह दर क्यों किया है? का देखती नहीं हो मेरे आंगन में धूप फैली हुई है, मेरी आंगन में धूप फैली हुई है। हे आयशा तो क्या हुआ? का मैं धूप से भी एहतियात करती हूँ। धूप से एहतियात? क्या आयशा हुक्म बदल चुका है? का हुक्म तो नहीं बदला है। का धूप से पर्दा कैसा? आयशा सिद्दीका कहती है मैं इसलिए धूप में नहीं आना चाहती, अगर धूप में आऊं समझ लेना सूरज के सामने आ गई हूँ। और याद रखना ये हो सकता है इस वक्त में कोई सूरज को देख रहा हो और सूरज मुझे देख रहा हो। आयशा ये भी नहीं चाहती है जिस बगैर बेगम की नजर पड़े उसी वक्त में किसी की आयशा सिद्दीका पे नजर पड़े। तवज्जो है ना सबकी? तवज्जो है? ये आयशा सिद्दीका का पर्दा और तेरी बेटी मुहर्रम को मेले लगेंगे और भी मुहर्रम के नाम पे एक एक की गैरत निकल के दरवाजे पे आएगी। लोग कहते हैं बेटी जब भागती है तब इज्जत का जनाजा निकलता है, जब बेटी के सर से दुपट्टा उतर जाता है तो समझ लेना बाप की गैरत का जनाजा निकल जाता है। मेरी बेटी हया वाली है, हया वाली तेरी बेटी है कि नबी की बेटी? किस चीज को हया कहता है? मेले से लौट के आ गई ये हया है? किसी के साथ भाग के नहीं गई ये हया है? हया तो ये थी मर जाती किसी का किसी की नजर अपने बालों पे नहीं पड़ती। मुझे बताया जाए ये दिन ऐसी बच गया, ऐसी बच गया, खून लगा है इसमें खून, तब जाके दीन बचा। अब खुदा की कसम उनके मेलों के नाम पे पैदा कर दी, उनके नाम के त्योहार का बहाना बनाकर कौन सी बदतमीजी नहीं हो रही है? दुपट्टे तो नहीं बचे सरों पे। लोग कहते हैं नौजवानों कहते हैं ऐसी तकरीर करना बेटियों दुपट्टे ओढ़ने लगे, मुझे तुम बताओ नमाजों के अलावा टोपी कब ओढ़ के? जब से तुमने टोपियां उतार दी बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। तुम हर वक्त टोपी लगाया करो बेटियों दुपट्टे सजाने लग जाए। क्यों नहीं लगाते टोपियां? मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ जन्नत में कितने लोग जाना चाहते हैं? जरा बताएं सारे लोग, माशाल्लाह सारे जाना चाहते हैं ना जन्नत में, लेकिन जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं है जो उठा के निवाला खा लिया। जन्नत इतनी सस्ती होती हुसैन ने 6 माह का असगर न दिया होता। जन्नत इतनी सस्ती होती ना तो 18 साल का अकबर न देते, कासिम की शहादत ना होती, उन्हें या रसूलल्लाह का नारा याद था कि नहीं? वो भी तो लगा सकते थे, कर सकते थे कि नहीं? लेकिन दीन पे अमल करके दिखाया हो किसी पे अमल हम कितना करते। चलो करबला ही ले, खुदा की कसम मैं तुम्हें करबला दिखाऊं, पर्दा दिखाऊं करबला, बताऊं चलूं आगे? चल आगे बढ़ा जाए, जरा कह दे या रसूल अल्लाह मैं तुम्हें करबला का पर्दा बताने लगा हूं। याद रखिएगा करबला में दो किरदार बड़े हैं, एक किरदार को किरदार हुसैन कहा जाता है, दूसरे किरदार को किरदार ज़ैनब कहा। बहुत बड़ा नाम है ज़ैनब का, जहां से हुसैन का इम्तिहान खत्म हुआ था वहां से ज़ैनब का इम्तिहान शुरू हो गया। तुम्हें क्या लगता है शहादत बात खत्म हो गई थी? नहीं, असर का वक्त था, अहले बैत के खेमों में आग लग रही थी, मगरिब के वक्त अहले बैत को लूटा जा रहा था, मगर खुदा की कसम पढ़ो तारीख, सैयदा ज़ैनब ने कहा था असर के वक्त खबरदार किसी की असर की नमाज कज़ा ना हो। एक मैयत हो जाए घर में 70 लोग कमर पे हाथ रखते हैं, 4-4 औरतें मां को संभालती है, 3 दिन तक बहन को पानी पिलाया जाता है,
फाहर जैनब तेरे हौसले को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम। एक लाश गिर जाती है तो चार लोग संभाल ले आते हैं। जैनब के आगे कौन ना था, अकबर का कटा हुआ लाशा था, कासिम के जिस्म के टुकड़े थे, अब्बास के कटे बाजू थे और मोहम्मद की शहीद लाशें थी। क्या नहीं था जैनब के सामने, खुदा की कसम असगर का लुटा हुआ बचपन था, हुसैन का कटा हुआ गला था। एक मर जाता है लोग दीवाने हो जाते थे, उन्होंने 71 कुर्बानियां दी है, लेकिन जैनब के जुमले थे खबरदार, उनके खबरदार असर की नमाज न छूटे। लोग कह दिया करते हैं चादर छीनी गई करबला में, हाँ किताबों में लिखा है चादर छीनी गई, लेकिन मेरा इश्क कबूल नहीं करता। आपको सलामत रखे, आज भी नाइट बंद हुई है, मुझे करबला का चढ़ा दिया हुसैन के चरार बंद कर रहे थे, अब्बास बंद कर जिसे जाना मैं अंधेरे में चला था, चराग चला था तो एक भी बंदा प्राण नहीं हुआ था। हुसैन ये रब तुम्हें सलामत रखे, नाइट गई ऐसी जब वक्त का मौके का फायदा उठा के लोग निकल जाते हैं, अल्लाह तुम्हें करबला वालों की खैरात अता करे, एक बंदा भी कम दे। जिस दिल से सुन के गई से इक्के भी लेके जाओ, इक्के भी लेके जाओ। बच्चों करे लोग कहते चादर छीन ली गई, मुझे बात बार बार करते राबिया बसो जन्नत नहीं, तुम जन्नत की बेटी नहीं है, कभी से खातू ने तुम आप बैठी सोल बिस्तर पे चोर आए चादर उतार मिला, चादर उतार मिला हाथ बढ़ा अल्लाह ने अता कर दिया, करके हाथ पीछे किया आप से सही होते, फिर आगे हाथ बढ़ा, फिर अंदर हो गया, फिर हाथ हटाया, फिर आगे सलाम तवज्जो कर लो, 11 मरतबा हाथ बढ़ा, जब बारहवीं मरतबा बढ़ाने लगा आवाज आई कुछ तो गैरत कर, कुछ तो गैरत कर, राबिया सो रही है इसका खुदा जागे, जो खुदा राबिया की चादर नहीं उतरने देगा वो भला से जदा साहब की चादर कैसे उतरने दे सकता, उनके सर का पर्दा कितने महीने बने छोड़ो के टाइम लेके मैं बताता था 9 महीने करबला शरीफ से कूफा, कूफा से शाम, शाम से मदीना भाई करबला सफर बनता है 5600 मील, कितना किलोमीटर तुम निकालते रहे 5600 मील सफर किया, सलाम अली की बेटी 5600 मील सफर किया, पैदल सफर किया, खाने में भी रखी सितम भी सके, खुदा की कसम सफर करके भी आई है कुरान पढ़ के भी आई, जब मदीना शरीफ पहुंची है सैयदा ज़ैनब तो 72 कुरान मुकम्मल हो चुके,
कितने दिन सफर किया? 9 महीने पैदल सफर किया, 5600 मील सफर किया, 72 कुरान पढ़े। आज तेरी बेटी मेले के नाम पे दुपट्टा उतार दिया उसने। आ अली की बेटी होती, कौन अली की बेटी? पर्दे का आलम यह था कि पूरे 9 महीने के सर से लेकर पैर तक पर्दा, सर से लेकर पैर तक पर्दा। मदीना शरीफ आई सज्जाद जी, फूफी ये सामने क्या? कहा आप भी जानती हो। कहा तू बता। कहा ये नाना का मजार है। हाथ पकड़ा, कहने लगे, रुख किया करबला शरीफ की तरफ। कहा हुसैन का वाह रहना, मैंने तेरी अमानत को मदीने तक पहुंचा। और उसके बाद के जुमले फरमाया सज्जाद जी फूफी का काफिले को लेकर घर चल, मैं अभी आती हूं। किधर जाना? कहा नाना से कुछ बातें करनी। सैयदा ज़ैनब नाना के मजार पे आई, हाले दिल सुनाना चाहती थी, हिम्मत जवाब दे गई। एक हुजूर का मजारे पर अनवार गिर रहा, हुजूर मदीने के बाहर रुकवा देते हैं कि इसका दर्द नहीं देखा जाएगा। ज़ैनब तो बेटी है, ज़ैनब तो है जिसे हुजूर ने गोद में लिया है। दर्द का इतना ख्याल है तो ज़ैनब के दर्द का ख्याल नहीं है। कौन सा इश्क है तेरे पास? हमारे पास तो वो इश्क है जो बरेली के इमाम ने दिया और कहा था इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। मगर तारीख गवाह है, सर से लेकर पैर तक पर्दा था। आज बेटे की मैयत की खबर आ जाए, बेटियों के दुपट्टे तो मां के कपड़ों का पता नहीं रहता। मगर ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम, तेरी चुर्रत को सलाम। कसम खुदा की वक्त होता तो पता था करबला में कैसे पर्दा किया। आखिरी बात बयान कर रहा हूं, सर से लेके पैर तक पड़ता था। मेरे नबी कहते ज़ैनब परेशान ना हो, जो करबला में हुआ बताना, मैंने खुद देखा है। तेरे बेटों की शजाअत भी देखी है, तेरे बेटों की शहादत भी देखी है। जा बेटी घर चली जा, सैयदा ज़ैनब आई है, जरा दिल पे हाथ रख के सुनना। खुदा की कसम पर्दे का आलम क्या था सैयदा ज़ैनब का, जब आप मदीने शरीफ में आई है, 9 भाइयों के दरवाजे लाइन से थे। ये 2 दरवाजे है जिन दरवाजों पे, एक एक दरवाजे पे 27 रमजान को अब्बास आया करते थे, हर भाई के दर से ईदी लेकर के सैयदा ज़ैनब के चौखट पे जाया करते थे। आज जब ज़ैनब आई है, सारे दरवाजों को ताला लगा है, आंख में आंसू है, खुदा की कसम ये जिगर जो ज़ैनब ने पाया है किसी बैल के पास नहीं मिल सकता। हर दरवाजे पे आई है, आने के बाद अपने घर की तरफ आंखों में आंसू लेके चली, अपने दरवाजे पे गई है, चोरी कमा के आई थी करबला में, हिम्मत जवाब दे जाती है, अंदर जाने की हिम्मत नहीं, अपने दरवाजे पे कदम रुक जाते हैं। जैसी तहलीज में बैठी है, अंदर बेटियां कुरान पढ़ रही है, फिर बकरी का वक्त है, बेटी ने नमाज पढ़ी, बड़ी बहन कहती है बहन जल्दी करो, माँ ने कहा था हर नमाज के बाद कुरान पढ़ना है, नमाज पढ़ ली है, कुरान लेकर बैठ जाओ। सैयदा ज़ैनब सुन रही है, जैसी बेटी ने कुरान पढ़ना शुरू किया था सैयदा ज़ैनब बैठी रखी, जब बेटी ने कुरान पढ़ा सैयदा की हिचकी बंदी, अंदर से रोने की आवाज, जब अंदर आवाज आई है बड़ी बहन छोटी से कहती है लगता के दरवाजे पे कोई भिखारन आई है। माँ कह के गई थी अगर दरवाजे पे साइल आ जाए उसे ज्यादातर रोकना नहीं है, उसका वक्त जाए नहीं
नहीं करना है, ले जल्दी से भीख दे के आगे बढ़ा दे। जैसी बेटी दरवाजे पे आई है, कबाड़ का पट खोला है, हाथ निकाल के पर्दे से दिया था, ये लो भीख लो आगे बढ़ो। सैयदा ज़ैनब ने कहा था, बेटी मैं भिखारन नहीं हूँ, का फिर कौन हो, का परदेसी हूँ, का यहाँ क्यों बैठी हूँ, का तुम्हारा कुरान सुन रखी थी, बड़ा अच्छा पढ़ती हूँ। बेटी कहती है, अरे खातून तूने मेरा कुरान सुना है, कभी हमारी माँ ज़ैनब का कुरान सुना होता, कभी सैयदा ज़ैनब से सुना होता, कैसा पढ़ती थी तुम्हारी माँ कुरान। तो बच्चियों ने कहा था, हमारी माँ ऐसा कुरान पढ़ती है, अगर वो पढ़ती थी तो आलू चुप के कुरान सुना करते थे, ऐसा कुरान ज़ैनब पढ़ती थी, जब वो कुरान पढ़ते थे तो सारे भाई चुप के सुनते थे। अल्लाह अकबर। सैयदा कहती है, बेटी और कुरान सुना दो। बेटी ने कुरान पढ़ना शुरू किया, ज़ैनब दरवाजे के बाहर है, थोड़ी देर गुजरी है कि सितारे अरब हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जाफर तैयार हजरत ज़ैनब के शोहर आ गए। आपने देखा लिबास कोई पुरके में खातून बैठी है, अल्लाह अकबर कैसा पढ़ता था, देख के बेटी ने पहचान सके। अब आपके शोहर आए थे तो कात में बैठे देखा है, चेहरा फेर लिया, जेब में हाथ डाला, कहिए लो भीख आगे बढ़ो, क्योंकि सैयद लोग हैं, ये किसी का वक्त भी जाया नहीं करते, और इनकी भीख देने का आलम तो ये है, कौन कहता है देने को ऊंचा किए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, इन्हें प्यार कुछ ऐसा खुद भीख दे और खुद कहे बनते कबाला। तेरी बेटी ने 10 मुहर्रम को दुपट्टा उतार दिया, 20 मुहर्रम को दुपट्टा उतार दिया, तेरी बेटी ने 40 तारीख को मुहर्रम 40वें मुहर्रम दुपट्टा उतार दिया, तेरी बेटी ने मुहर्रम के नाम पे दुपट्टा उतारा, उनकी शहादत के नाम पे दुपट्टा उतारा। हया कर ज़ैनब का पर्दा देख तो सकी, बेटी ने देखा पहचान ना सकी, शोहर ने देखा पहचान नहीं हुई है। हजरत ज़ैनब ने कहा था, मैं परदेसी ने मैं भिखारन नहीं हूँ, परदेसी हूँ, का फिर यहाँ क्यों बैठी हूँ। अल्लाह को अकबर। का तेरी बेटियों का कुरान सुन रही थी। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जाफर तैयार कहते हैं, खातून रात हो गई है, अब कहाँ जाओगी, ऐसा करो मेरी बीवी परदेश गई है, मेरी बेटियां रोज याद करके रोया करती है, एक रात मेरी बच्चियों में गुजार लो, उनकी रात सुकून से कट जाएगी। ये कहकर अंदर आओ, का बेटी बाहर जो मेहमान बैठे हैं उन्हें अंदर लेके आओ। बेटी ने हाथ पकड़ा, सैयदा ज़ैनब को अंदर लाई है। अब जरा दिल थाम के सुनना, अभी चेहरे का नकाब नहीं उठा है। सैयदा ज़ैनब की बेटियां लाके बैठाया, एक बेटी कहती है, बिस्तर बिछा दिया है, इस पे लेट जाओ। ज़ैनब ने कहा था, हमें बिस्तर अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बेटी जल्दी से गई, पानी लेकर के आई, पानी देख के सैयदा ज़ैनब रोती, कहा हमें पानी पसंद लगी है, बच्चियां बड़ी अच्छी आदत की होती है, बड़ी तेजी से घुल मिल जाती है, सोचा शायद पी के आई होगी इसलिए पानी नहीं पिया। बच्ची सवाल करती है, खातून बता तो सही तुम्हारे कितने बच्चे है। सैयदा ज़ैनब कहती है, खुदा ने 2 बेटियां दी, 2 बेटे दिए। फिर कहती है, बताओ तो शकील, ताज्जुब की बात है, तुम्हारे भी 4 बच्चे हैं, हमारी माँ के भी 4 बच्चे थे। अल्लाह को परसन्ना, का ये तो बताओ कहाँ की रहने वाली हो, का मदीने की रहने वाली हो। अल्लाह को पर जब लफ्ज़े मदीना आया है, बच्चियों के कान खड़े हो गए, का ये बताओ कितने भाई है तुम्हारे, इतना सुनना था। तो आप कहती है, मेरे 14 भाई है, एक रिवायत के मुताबिक 9 भाई है। तो तब कई बेटी गाते, पूरे मदीने में किसी के इतने भाई नहीं है जितने हमारी माँ के भाई है। पर्दा तो उठा, बता कौन है तू, जैसे सैयदा ने पर्दा उठाया है, बेटी की चीख निकल जाती है, रो के कहती है, ये ज़ैनब नहीं हो सकती, ये हमारी माँ नहीं है, छोटी ने बड़ी को संभाला। का क्या बात है, का देख तो सही, कोई परदेसी आई बैठी है, ये माँ आई बैठी है। जैसी बड़ी ने देखा, का माँ लग रही है, छोटी ने कहा नहीं, ये माँ नहीं हो सकती, हमारी माँ के चेहरे पे जवानी थी, इनके चेहरे पे बुढ़ापा है, हमारी माँ के बाल काले थे, इसके बाल सफेद है, ये माँ नहीं हो सकती है। सैयदा की चीख निकली, सीने से बेटियों को लगाया, का बेटी मैं ही ज़ैनब हूँ, तुम्हारी माँ हूँ, का माँ भाई कहाँ है, तू तो बेटों को लेके गई थी, कहाँ चले गए। सैयदा ज़ैनब ने कहा था, ओ मेरी बेटियों, मैं बेटे लुटा के आई हूँ, मैं कतील बचा के आई हूँ, तभी तो कहता हूँ बचा के कूचे से, आप उसको लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को चुप कर सलाम कर, सलाम तेरी अमानत है। नारायण तकबीर, नारायण रिसाला, जिक्र शहदाए करबला, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा हम्माद रज़ा साहब मुरादाबादी,
उनसे पूछ जिनका लगा है दीन पे, खुदा की कसम उनसे पूछ जिन्होंने कुर्बानी दी है करबला। पूछना करबला क्या है? इमाम बाकिर कहते इमाम जैनुल आबिदीन से, बाबा कभी मुस्कुराते नहीं देखा, आपने बेटे का चेहरा देख के कहने लगे तूने करबला नहीं देखा, अगर तूने करबला देखा होता तो मुस्कुराना भूल जाए। लेकिन हुसैन से रिश्ता इतना गहरा है जब उनकी बात आती है तो आंखें भीग जाया कर। तुझे क्या पता करबला क्या? मैं तुम्हें बता, हाथ से देखे एक्सीडेंट देखे, देख के लोग गुजर जाते हैं, कोई रोया, लेकिन उसी लाश के पास आ जाए जब ये वो भी ये कह के निकल जाएगी माए संभाले नहीं संभलती है। पता चला जिनके करीबी होते हैं दर्द उन्हीं को ज्यादा होता। मिंबर पे बैठ के कहता रोना नहीं चाहिए, आंसू नहीं आने चाहिए, हम जश्न वाले लोग हैं। बेगैरत तू आज जश्न मना रहा है, ज़ैनुल आबिदीन से पूछ करबला क्या? 35 साल जिंदा रहे करबला के बाद, लेकिन जब भी पानी हाथ में आता था रोते थे, बिना रोए कभी रोटी का लुकमा नहीं खाया, कभी नहीं खाया। और तो और जब आप मदीने की गलियों में निकलते थे तो कसाई गोश्त में कपड़ा डाल देते थे, इसलिए कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन गोश्त नहीं देख पाते थे। वो कहते थे मैं गोश्त देखता हूं तो मुझे कासिम के टुकड़े याद आते। तुझे क्या पता करबला क्या है? शर्म कर, खुदा की कसम करबला वालों से। इमाम ज़ैनुल आबिदीन गुजर के जा रहे हैं, थके तो नहीं अभी? मैं बस बात पूरी कर लूं, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत गौर से सुन रहे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जा रहे हैं, कसाई बकरी की रस्सी पकड़े सामने से, एक हाथ में छुरी और एक हाथ में बकरी की रस्सी, जो देखा हाथ कांप के, इसलिए कि इजाजत नहीं थी पूरे मदीने में कोई छुरी लेके चले कहीं सज्जाद की नजर न पड़ जाए। अचानक चीख निकल गई, रो के फेंक दी सारी चीज, कहने लगा हुजूर माफ कर देना, पता नहीं था आप आ रहे। आपने फरमाया कोई बात नहीं, किधर लेके जा रहा? झूठ नहीं बोल सकता था क्योंकि सैयद ऐसा, वो लोग क्या जाने जो सैयद का मर्तबा नहीं समझते। खुदा की कसम वो जानते थे सैयद कौन होता, क्या करेगा, सिबा करनी है, कितनी सिबा करते हो सुबह से शाम तक 8-10 बकरी। फरमाने लगे ठहर ये बता क्या तुझे आदाब आते हैं सिबा करने के? उसने कहा जी। फरमाने लगे पहला अदब बता। उसने कहा पहला अदब यह है कि जब जानवर को सिबा करना हो तो उसे खूब खिला पिला दिया। अल्लाह अकबर, चीख निकल गई इमाम ज़ैनुल आबिदीन, कहने लगे लोगों जानवर ज़िबा करने से पहले खूब पानी पिलाते, लेकिन हमारे घर वालों को तो करबला में प्यासा शहीद कर दिया गया था, एक घूंट तक पानी का नहीं दिया। तुम्हारे उसूल है कि जानवर को तुम पानी पिला पिला के ज़िबा करते हो, मेरा असगर भी प्यासा गया, मेरा अकबर भी प्यासा गया, मेरे बाबा हुसैन भी प्यासे गए। कहने लगे दूसरा तरीका बता, दूसरा सुनना, दूसरा तब। उसने कहा दूसरा तब यह है, अगर बकरी के बच्चे को ज़िबा किया जाए तो बकरी को छुपा दो, गाय के बच्चे को ज़िबा करो तो गाय से अलग करो, ऊंट के बच्चे को ज़िबा करो तो ऊंट से अलग करो, बेहोश होके गिरे। होश आया, कहने लगे इतना जानते हो, जानवर को जानवर के सामने ज़िबा नहीं किया जाता। जब मेरे अस्कर के तीर लगा था शहरबानों देख रही थी, जब अकबर के पर्ची लगी थी ज़ैनब देख रही थी, तुम ये जानते हो जानवर को जानवर के सामने ज़िबा नहीं किया जाता। जब मेरे बाबा के गले पे खंजर चला सकीना देख रही थी, उम्मे रुबाब देख रही थी, शहरबानों देख रही थी, वो कितने जालिम लोग हैं जिन्होंने खानदान के सामने खानदान काटा है। का तीसरा अदब बता, का तीसरा अदब ये है किसी भी जानवर को ज़िबा करने से पहले छुरी को तेज कर लिया जाए ताकि सिबा करने में जानवर को तकलीफ ना हो। अल्लाह हू अकबर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की चीख निकली, कहने लगे इतना तो
पहचानते हो, चुरी तेज करके गले काटते हो, लेकिन मेरे बाबा के गले पे जो खंजर चला था 7 बार किए गए थे, गला नहीं कटा था, और तुझे क्या पता दर्द क्या होता है। खुदा की कसम, रोया करते थे, कहते थे लोगो हंसा करते हो, अगर करबला देख लेते तो हंसना भूल जाते। की महफिल में चटकुले सुनाता है, तुझे मिंबर आने का हक नहीं, ये मिंबर तेरे बाप का नहीं, ये मिंबर सहरा के बाप का। शर्म आनी चाहिए, करबला है क्या? हजरत उम्मे फरमा करबला के बाद 15 साल जिंदा रहे, लेकिन कभी साए में नहीं बैठी, कभी साए में नहीं बैठी। औरतें कहती थी सैयदा साए में बैठ जाओ, कहती थी जब से हमने अपनों की लाशें बिना साए के पड़ी देखी है हमें साया अच्छा। रौना तारीख करबला की क्या? सोचो तो सही, अगर मैं बयान करूं खुदा की कसम तो बस कलेजे फट जाते, कलेजे फट जाते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी अम्मी के पास आके कहते हैं, अम्मी एक बात बता, तू ठंड में क्यों नहीं बैठ? आपने कहा बेटे अच्छा तू बता, तू भी हर वक्त क्यों रोया करता? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या कहा? कहता जब मैं किसी बच्चे को देखता हूं मुझे मेरा असर याद आता, जब मैं किसी बाप को प्यार करते देखता हूं मुझे हुसैन याद आते, जब मैं किसी चाचा को भतीजे की कलाई पकड़ के चलता देखता हूं मुझे अब्बास याद आते। मां मैं क्यों ना रोऊं? जब मैं किसी को गले में हाथ डाल के चलता देखता हूं मुझे मेरा कासिम याद आता है। अल्लाह हुआ, मां तू क्यों रोती है? कहते हैं मेरे बेटे जिसका शोहर 3 दिन तक बिना साए के करबला के तपते हुए सहरा में पड़ा रहा हो वो खातून कैसे चुप हो सकती है? इतना कहा बेहोश हुई और इंतकाल हो गया। गुस्ल दिया गया, कपड़े जब उतारे गए अंदर औरतों से आवाज आई ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया जाए, कहा क्यों? कहा मां के दुपट्टे में गांठ लगी। जानते हो ना औरतें घर के अंदर कुछ खास कीमती चीजें दुपट्टे के कोने में बांध लेती हैं, का पता नहीं क्या कीमती चीज है इसमें। ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया जाए, वो बेटा है वो खोलेगा, गांठ खोली, चीख निकली इमाम ज़ैनुल आबिदीन। सोना नहीं था उसमें, चांदी नहीं थी, जब खेमों को आग लगी थी हजरत अली असगर के पालने की लकड़ियां चल के कुछ बच गई थी जो मैंने आज तक याद के लिए संभाल कर रखा। ये करबला गया, ये है करबला, मगर ये किसके लिए था? सब हुजूर की उम्मत के लिए। अगर तुम करबला वालों के वफादार हो, मेहनत करना, कभी बेटी के सर से दुपट्टा नहीं उतरने देंगे, कभी मेलों के नाम पे पहल की कुराब नहीं करेंगे, जो उनकी बेटी का पैगाम है। तारीख पढ़ो ना, सैयदा ज़ैनब 15 साल जिंदा रहा। किसी ने आपके पड़ोस में एक ताबई रहते थे, उनसे पूछा बताओ तुम तो ज़ैनब के मोहल्ले में रहते हो, बताओ अली की बेटी कैसी थी? सुने उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा 15 साल रहा मैं सैयदा ज़ैनब के मोहल्ले में, लेकिन मैंने कभी उन्हें नकाब की हालत में भी घर से निकलते नहीं देखा था, पर्दा करके भी वो घर से 15 साल नहीं निकली। विसाल का वक्त आ गया, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जाफर तैयार आ गए, कहने लगे सैयदा नाना की शरीयत है औरत बीमार हो जाए तो डॉक्टर से दवा ले सकती है, चलना तेरी तबीयत ज्यादा खराब है। रोने लगे, कहने लगे अब्दुल्ला जरा सहारा दे के बैठाओ। बैठाया अब्दुल्लाह इब्ने जाफर तैयार, कहने लगे सरताज बात सच्ची है, मेरे नाना की शरीयत तो यही कहती है बीमार हो जाए बच्ची डॉक्टर से दवा ले सकती है, लेकिन एक दीन वो है जो करबला में मेरा हुसैन सिखा के गया। ये जुमले थे, एक दीन वो है जो मुझे करबला में हुसैन सिखा के गया। कहा क्या? जब हुसैन के गले पे खंजर चल रहा था मैंने पर्दे की ओट से इशारा करके कहा था इजाजत दे हुसैन मैं आऊं, तेरे चेहरे पे जखून था जब हुसैन सवारी से नीचे आए और यजीदी घबरा के चारों तरफ खड़े थे, तब मैंने कहा था हुसैन इजाजत दे ज़ैनब आना चाहती है, मैं अपने दुपट्टे से तेरे चेहरे का खून साफ करूंगा। मेरे भाई ने इशारा करके कह दिया था ज़ैनब अगर मेरे जिस्म की ये बोटी बोटी भी कर डाले और मेरी पोटियों को परिंदे लेके उड़े, तुझे मां खातू ने जन्नत का वास्ता पर्दा ना छोड़ना,
एक शरीयत तो ये है जो नानों ने सिखाई है, एक शरीयत वो है जो हुसैन ने सिखाई है। अकबर कटे हमने पर्दा नहीं छोड़ा, असर गए हमने पर्दा नहीं छोड़ा, हुसैन शहीद हुए हमने पर्दा नहीं छोड़ा, लाशों पे घोड़े तोड़े हमने पर्दा नहीं छोड़ा। अब्दुल्ला में फातिमा की बेटी हूँ, डर तो सकती हूँ लेकिन फातिमा का दिया हुआ पर्दा नहीं तोड़ा। तो पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह। जोर से बोलो इंशाल्लाह। बेटियों को समझा देना कयामत में जन्नत जो है ना अमल के बदले नहीं मिलने वाला, खातून ने जन्नत की औलाद के सदके में मिलेगी। जिसे ज़ैनब कह देंगी ले जाओ वो जन्नती, जिसे खातून ने जन्नत कह देंगी ले जाओ वो जन्नती, जिधर हुजूर की अबरू का इशारा हो जाएगा इधर के बेड़े पार हो जाएगा। क्या कहा मेरे इमाम का, एक मैं क्या मेरे एशिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। जिधर वो इशारा करेंगे उधर की बेड़ियां टूटती चली जाएंगी, जिधर वो कहते चले जाएंगे उधर के लोगों को आजादी मिलती चली जाएगी। वो लोगों करबला वालों का पैगाम याद रखना, पर्दा बड़ा अहम है। दो चीजें कभी ना छोड़ना, मुस्तफा का दीन कभी मत छोड़ना। दीन क्या है, शरीयत और कुरान कभी मत छोड़ना, खुदा की कसम। और इनको पकड़ने के लिए कभी सैयदों का दामन मत छोड़ना, सैयदों का दामन मत छोड़ना। असली नस्ली सैयदों से वाबस्ता हो जाओगे तुम, कुरान के साथ भी रहोगे, दीन के साथ भी रहोगे, शरीयत के साथ भी रहोगे। तुमने नहीं देखा हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, ये बता दिया था लोगों, ना हुसैन कुरान से जुदा है ना कुरान हुसैन से जुदा है। जहां जहां सादात जाएंगे वहां जहां कुरान जाएगा, जहां जहां कुरान होगा वहां वहां सादात होंगे। एक ज़ैनुल आबिदीन आया था, आज दुनिया में देख लू यज़ीद की लाश का उसकी नस्ल का नाम और निशान लगी है दुनिया के कोने कोने में। हुसैन के बेटों के नाम आज भी चराग से ज्यादा रोशन हो रहे हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है मुहर्रम के नाम पे गुंडा करती ना करो तमाशे, ना पर्दे को आप तुम्हारी मेरी बेटी कभी भी तमाशे मेले के नाम पे घर से नहीं निकलनी चाहिए। करेंगे इंशाल्लाह शरीफ पर्दे को आप, जोर से बोलो सारे बोलो इंशाल्लाह। आप अपनी बेटियों को पर्दा सिखाए, दीन सिखाए। सबसे इज्जत वाला नसीब वाला वो बाप है जिसकी बेटी पर्दे वाली है, और सबसे वाला कम नसीब कम बख्त वो बाप है जिसकी बेटी बेपर्दा ना दे यार जींस की पैंट दिला के, मत दे नंगे कपड़े, मत पहना ऐसा लिबास जिसे देख के शैतान को हया आ जाए। तू वो काम कर जिससे मदीने वाला भी राजी हो जाए, काबे वाला भी राजी हो जाए। करेंगे ना इंशाल्लाह, जोर से बोलो इंशाल्लाह। अगर अच्छी नस्ल चाहते हो, दौर इतना पुरफितन इतना पुरखतर दौर आ गया है, अगर दौर में अपनी नस्ल बचाना चाहते हो तो मुस्तफा की शरीयत मजबूती से थाम लो, मजबूती से शरीयत थाम लो। बेटियों को डांसर ना बनाओ। अभी एक स्कूल के अंदर कोई हमारे मुल्क का तारीखी दिन था, तो उसमें हमारी बच्चियों को नचाया गया, गैरत आनी चाहिए। बेटियों को नचाया गया, हमारी बेटियां नाचने के लिए नहीं आई थी, हमारी बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा बन के आई थी। ये तो हया का पैगाम देने के लिए आई थी। इंशाल्लाह कभी जिंदगी रहेगी इस मौजू पे मुकम्मल गुफ्तगू होगी। फरमाया गया मुबश्शिर साबरीन, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। वो लोगों जिन्होंने सब्र किया कितनी बड़ी खुशखबरी, जिन्होंने खानदान दिया सब्र किया शरीयत नहीं छोड़ी, अल्लाह ने बदले में उन्हें जन्नत का मालिक बना डाला। लोग कहते मजबूर था हुसैन, मैं कहता हूँ लगाम दे जबान को, तेरे पास 100-150 बीघे जमीन है, एक गांव का मालिक है तू, प्रधानमंत्री है तू, एक मुल्क का मालिक है। हुसैन वो है जो 8 जन्नतों का मालिक है, हुसैन वो है जो 8 जन्नतों का मालिक है। तेरे कपड़े मेरे कुचाले लोग सुनते हैं, हुसैन वो है जिसके कपड़े जन्नत से जबरील लेके आया। क्या समझ रखा है हुसैन को, समझ रहे ना मेरी बात। तेरे कपड़े वो सीधा जो खड़ों के पेशाब करता है, हुसैन के कपड़े जन्नत से जिब्रील लेके आया। और सुन तेरे कान में अजान पता नहीं किस घूमते फिरते आदमी ने दी होगी, हुसैन वो है जिसके कान में अजान नबियों के इमाम ने पढ़ी है। तो मेरे भाई सच्चे पक्के हुसैनी बनिए, मुहर्रम की पहली तारीख से लंगर और सबील का एहतमाम कीजिए, जाहिलाना सारी रस्में खत्म कीजिए। एक बंदा ढोल बजा के कह रहा था जी हम इसलिए ढोल बजाते हैं कि हुसैन जीते थे। मैंने कहा यार शराब पे जमजम लिख दो तो वो जमजम थोड़ी हो जाएगी, उसे तो नपाक ही रहना, ढोल तो हर हाल हराम है शरीयत में, तो ढोल क्यों बचा रहा है। जश्न मनाना है ना उनकी जीत का तो फिर कुरान पढ़ शबीना करा,
बस्ती में लगातार हाफिजों की ड्यूटी के कुरान पढ़ो। हाँ कहते जी इन्नमा लामान इन्नमा लामान, कहने लगा अमल का दारो मदार नहीं आता। मैंने कहा मिल जा बेटे, गुस्सा बहुत है यजीद पे, जम के कूट लू। फिर मैं भी कहता हूँ इन्नमा लामान बिन नियाम, मैंने तो यजीद समझ के कूटा था, अपनी भी नियत पूरी हो जाए। गुमराह न कर, हुसैन कुरान के साथ थे, कुरान हुसैन के साथ था, हुसैन नमाज के साथ थे, नमाज हुसैन के साथ था, हुसैन शरीयत के साथ थे, शरीयत हुसैन के साथ था। तो तू शरीयत का पाबंद बन, कौम को गुमराह ना कर, इन्हें जन्नत में जाने का छोड़ दे, इन्हें दोज़ख की तरफ ना लेके जा, और तुम अपने आप को संभालो, अल्लाह से दुआएं मांगा करो। जो बरेली के इमाम ने दुआ सिखाई, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, कराता अहमद रजाए अहमद मुरसल हबे, मेरे मौला हजरत अहमद रजा के वास्ते। करेंगे इंशाल्लाह शरीयत की पाबंदी, गैरत वाले भाइयों से गुजारिश है, बेटियों को पर्दा सिखाएंगे। जोर से बोलो, बेलों के नाम पर नबरा तो नहीं करोगे, उनके बदन के कपड़े तो नहीं उतरेंगे, किसी बेटी के सर से दुपट्टा नहीं उतरना चाहिए, और किसी बेटी का घर से कदम बेपर्दा नहीं निकलना चाहिए। मेलों में तो पर्दे में भी नहीं जानी चाहिए, मेले में जानी नहीं चाहिए। और ये मेले है क्या, दुनिया में सबसे बुरी जगह बाजार है, दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद। जी करे तो कभी मस्जिद के चक्कर लगा लिया कर, खुदा की कसम दो रकात पढ़ लिया कर शुक्राने के। दस दिन के मेले से अल्लाह वो सुकून नहीं देगा जो दो रकात के सजदों से अल्लाह सुकून दे देगा। मस्जिदों में जाया करो। मौला करीम मेरे बोलने में जो गलती हुई वो अपने अभी सत्ते में माफ फरमाए, जो हुए अगला उनको माफ फरमाए। रब कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर है हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, और जोर से आखिर में फिर अपना वही शेर, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, चिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। वो मालिना इल्ल बलाग, अस्सलाम वालेकुम।